सोलन के अर्की के जोखाली गांव में महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वावधान में महिला मंडल जोखाली के सहयोग से हर घर पोषण त्योहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत ब्लॉक स्तर का पोषण मेला भी आयोजित किया गया, जिसमें विकास समिति अर्की के महासचिव व देवरा पंचायत के पूर्व प्रधान रूप सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं बीडीसी सदस्य राकेश कुमार विशेष अतिथि के रूप में मौजूद हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर ICDS व हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से उपस्थित वक्ताओं ने लोगों को पौष्टिक आहार के बारे में विस्तृत जानकारी दी। CDPO अर्की विनोद गौतम ने बताया कि कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए देश भर में सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, जिसको लेकर प्रदेश के विभिन्न उपमंडलों में भी जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा इन शिविरों को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वस्थ आहार के साथ साथ विटामिन रहित सभी सब्जियों का सेवन करने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों को सही आहार दिया जाएगा तो उसमें बौनापन, पोषण की कमी, खून की कमी और कम वजन जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी। पोषण अभियान के तहत सरकार ने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसके तहत बच्चे जो कम वजन के पैदा हो रहे हैं या बौने पैदा होते हैं या महिलाओं में अनीमिया की शिकायत है, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इन सभी चीज़ों में वो कमी लाई जाएगी, जिसके लिए सरकार, विभाग, अन्य विभागों के साथ तालमेल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में पोषण माह के तहत आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन था, जिसमें लोगों को प्रेरित किया गया, जागरूक किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि रूप सिंह ठाकुर ने महिला एवं विकास विभाग अर्की व महिला मंडल जखौली की महिलाओं को सफल आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि लोगों को सही व महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके, इसके लिए इस तरह के शिविर आयोजित किए जाने चाहिए। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए संतुलित आहार का सेवन करवाएं और ये जानकारी घर घर तक पहुंचाई जाए। बाल विकास परियोजना कार्यालय अर्की के माध्यम से ग्राम पंचायत देवरा के गाँव जोहोली में एक आज जागरूकता शिविर लगाया गया, जिसमें मातृशक्ति और बच्चों के लिए पोषाहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई कि हमारी जो मातृशक्ति और बच्चों को कुपोषण से आने वाले समय में कैसे बचाया जा सके, तो ये हमारे लोगों के लिए बहुत ही एक लाभदायक शिविर रहा, जिसके लिए मैं विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और इस कार्यक्रम में महिला मंडल, ग्राम पंचायत के सभी महिला मंडल, युवा शक्ति और सभी बुद्धिजीवी वर्ग, सभी लोगों ने इसमें भाग लिया और इस कार्यक्रम का जो कार्यक्रम का जो सफल आयोजन, उसके लिए मैं विभाग को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा।